देखिए गाइस, मेरी वाइफ मेरे लिए कितना मेहनत कर रही है। मुझे कटहल की सब्जी और कटहल का अचार बहुत ज़्यादा ही पसंद है। कितना मेहनत से काट काट के, कितना मेहनत लगता है काटना छीलना। इसे कहते हैं बीवी बीवी का का प्यार। प्यार। और आज ऐसा कटहल बनाओगे ना कि चिकन फेल हो जाएगा, समझे? लोग चिकन जो जो चिकन खाते वो कहते हैं ना कि कटहल अगर अच्छे से बना लो तो उसके सामने चिकन फेल है, तो जो लोग खाते हो ऐसा कहते हैं। तो मैं आज ट्राई कर रही हूँ, इसलिए इसके लिए मुझे खड़ा गरम मसाला चाहिए। मतलब खड़ा खड़ा खड़ा, मतलब उसको पीस के अच्छे से तब बनाऊंगी ना, तो उसका जो ऑथेंटिक फ्लेवर आएगा। और मेरा चटोरी पति, मैं बोले जा रही हूँ, उसके मुंह में पानी आ जा रहा है। और अचार भी बना दूंगी मेरी मॉम के स्टाइल में। मेरी मॉम बहुत अच्छा अचार बनाती है, पता है? बहुत अच्छा अचार बनाती है वो। इजी वे है इसको कट करने का, पता है? इसके पहले मैं बैंगलोर में बनाई थी तो उतना अच्छा नहीं बना था, याद है? मीठा मीठा बन गया था क्योंकि वहाँ का जैक फ्रूट अच्छा नहीं होता है। बट इसका इजी वे है ना कि आप कोई भी चीज़, मान लो बड़ा सा काटे, तो उसको ना छोटे छोटा फाक में पहले काट लीजिए, उसके बाद ऊपर का लेयर निकालिए। जैसे कि इतना मोटा है ना, उसको मैं बीच से अगर काट लूँगी ना, तो उसके बाद ऊपर का ये लेयर उखाड़ने में मुझे आसानी होगी। इतनी देर में मेरी कटहल काटने में इतनी हालत हो चुकी है ख़राब कि मतलब लेकिन फिर भी मैं काट रही हूँ क्योंकि मुझे अचार भी डालना है कटहल का, और थोड़ा बहुत और भी बचा हुआ है। गर्मी बहुत है। भाई इन दिनों मेरी आ नहीं रही है, तो नबू को मैं लगा दी हूँ टीवी देखने में ताकि वो शांत रहे और मैं चली अपने घर का काम करने। मैंने एक तरफ कटहल को बॉईल करने के लिए रख दिया, थोड़ा सा बॉईल करेंगे, ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे। और चार प्याज ले लिया, 8-10 लहसुन की कलियाँ ले ली, कुछ हरी मिर्च ले ली, और इसमें मैंने डाला है इलायची, ब्लैक पेपर और लौंग और दालचीनी बहुत कम क्योंकि उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता है, उसको खड़ा ही डालना बेटर होता है। सब्जी मसाला थोड़ा सा गरम मसाला भी डालेंगे, हल्दी और धनिया पाउडर डालेंगे। अबू जीरा भी मैंने डाल दिया है, जीरा मरीच खड़ा डालने से अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ मैंने तेल में दालचीनी और तेज़पत्ता डाल के फ्राई कर दिया है, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। और फिर मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक वो तेल नहीं छोड़ता, मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेंगे। मैं हींग डाल रही हूँ कटहल की सब्ज़ी में क्योंकि गर्मी का दिन है और इतना तेल मसाला खाना खाएंगे तो हेवी हो जाएगा। मेरे ससुर जी तेल मसाला का खाना नहीं खाते हैं, तो हींग डाल के बनाऊंगी तो वो भी खा सकेंगे और मेरे लिए भी सही है, सबके लिए सही है हींग डाल के, क्योंकि वो पचने में मदद करेगा। तो मैं हींग ज़रूर डालती हूँ कुछ ऐसा बनाती हूँ तो। लास्ट में मैंने टमाटर ऐड किया है, आप चाहे तो टमाटर ना डालें, कुछ लोग टमाटर नहीं डाल के भी बनाते कटहल, वो भी अच्छा बनता है। बट मेरे हस्बैंड को थोड़ा टैंगी फ्लेवर पसंद है, इसलिए मैंने 2 टमाटर पीस लिया था और उसमें बाद में लास्ट में ऐड किया था।
और आलू को मैंने फ्राई कर लिया है। आलू डालने से टेस्ट और बढ़ जाता है। उसके बाद इस सबको मसाले में मिक्स करिए, पानी डालिए, खौला दीजिए और आपकी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी यमी सी। उसके साथ मैंने जीरा राइस बनाया था। जीरा राइस मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। ओह माय गॉड, बहुत टेस्टी बनाई ग्रेवी नन्नी। इंतजार का फल मीठा लग रहा है मेरे को। मीठा नहीं, तीखा है, मिर्ची ज्यादा डाला मैंने। अच्छा बनाया है, जैसा तुम्हें पसंद है वैसा बनाया। बिल्कुल। तुम क्यों नहीं खा रही हो? मैं बाबू को दाल पिलाने अभी। ओ, तुम नहीं खाओगी? इतना मेहनत से बनाई हो, इतना टाइम लगा है और तुम खा नहीं रही हो। लो तो टेस्ट करो तो कैसा लगा, कैसा बना है। मैं बाबू को दाल पिला के आ रही हूँ। अरे एक चम्मच खा लो भाई, फल ले लो। कैसा कैसा, एक और ले लो प्याज के साथ। मैं खुद की तारीफ करूँगी तो ज्यादा हो जाएगा। वाकई में बहुत टेस्टी बना है। मुँह मियाँ मिट्टू कहलाऊंगी, मैं खुद की तारीफ कर रही है। काफी टेस्टी है। बाबू जी को भी पूछती हूँ, बट बाबू जी अभी बोले कभी खाना नहीं खाएंगे। उनके लिए अगर ये तीखा है तो फिर उनके लिए चोखा दाल बना दी। तीखा है क्या? ना खा सकते हैं ना वो। अच्छा मैं हाथ से खाऊंगी। एकदम खा, टूट पड़ो जी हाथ से।